दोस्तों यदि आप धोनी से सहमत हैं कि जिस गेंद पर युजवेंद्र चहल को विकेट मिला वह खराब थी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ग्लेन मैक्सवेल को भले ही दुनिया के सबसे धमाकेदार बल्लेबाजों में शुमार किया जाता हो लेकिन टीम इंडिया के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के आगे उनकी जरा भी नहीं चलती। वनडे सीरीज में 3 बार लगातार युजवेंद्र चहल का शिकार बनने वाले ग्लेन मैक्सवेल रांची T20 में भी उनका शिकार बने। रांची T20 में मैक्सवेल ने 17 रन बनाए और उन्होंने युजवेंद्र की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन उनका कैच जसप्रीत बुमराह ने आसानी से लपक लिया। आपको बता दें युजवेंद्र चहल के खिलाफ ग्लेन मैक्सवेल इतने परेशान रहते हैं कि वो 8 में से 6 मैचों में उन्हें विकेट दे चुके हैं। मैक्सवेल लगातार 4 बार तो इसी दौरे पर युजवेंद्र चहल को लगातार विकेट दे चुके हैं। चेन्नई वनडे, कोलकाता वनडे, इंदौर वनडे और रांची T20 में युजवेंद्र चहल ने फिंच को आउट किया। वैसे युजवेंद्र लगातार 5 बार मैक्सवेल को आउट कर चुके हैं। इस दौरे से पहले IPL 10 में भी युजवेंद्र ने मैक्सवेल को आउट किया था। टीम इंडिया का मौजूदा दौरा मैक्सवेल के लिए बेहद खराब रहा है। मैक्सवेल ने वनडे सीरीज में खेले 3 मुकाबलों में 39, 14 और 5 का स्कोर बनाया, मतलब 3 पारियों में वो 58 रन ही बना सके। अब T20 के पहले चामी भी वो नाकाम रहे। रांची T20 में आउट होने के बाद भारतीय कमेंटेटर्स ने उनका मजाक भी बनाया। सुनील गावस्कर ने उन्हें मैक्सवेल से मिनी वेल का नाम ले डाला। मैक्सवेल का प्रदर्शन अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही उनकी ऑस्ट्रेलियाई टीम से छुट्टी हो सकती है। हालांकि आज के मैच में युजवेंद्र चहल को मैक्सवेल का विकेट लेने के बाद में फटकार भी मिली। यह फटकार मिले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का द्वारा। दरअसल जिस गेंद पर मैक्सवेल आउट हुआ वह गेंद काफी खराब हो गई थी। यदि उस समय वहां पर कोई और बेस्टमैन होता तो उस गेंद को 6 रन के लिए मार देता। इसी बात पर महेंद्र सिंह धोनी ने गुस्सा होकर चहल को कह दिया कि दोबारा इस जगह मत डालना क्योंकि यह काफी खराब गेंद थी। इस गेंद पर तुमको विकेट मिला नहीं बल्कि मैक्सवेल ने यह विकेट गिफ्ट किया है।